नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है YouTube चैनल दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी पर। और आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में जो है एग्रीकल्चर प्लस स्टैटिक जीके का एक इम्पॉर्टेंट सेशन कवर करने वाले हैं। इससे पहले वीडियो में थोड़ा यार टेक्निकल इश्यूज आ गया था, जिसके कारण वो भी वीडियो मुझे डिलीट करनी पड़ी, तो उसके लिए सभी को मैं सॉरी बोलना चाहूँगा। फिलहाल अब ये गलती नहीं होगी कि मिस हो गया था, तो कहने का मतलब जो है थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, जिसके कारण जो है वो वीडियो हमें डिलीट करनी पड़ी थी। ठीक है, अब इस लाइव सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और बहुत सारे फ्रेंड्स को यहाँ पे जोड़ लें। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा यार इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा। आई होप यूपी कैटेट एग्जाम हो, चाहे BHU ICER या फिर एग्जाम हो एग्रीकल्चर टेक्निकल यूपी SSC पेट, कोई भी एग्जाम हो, क्वेश्चन यहाँ थोड़ा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरल एग्रीकल्चर भी जो हमने क्वेश्चन अपने आप में लिए हैं वो भी एक जनरल क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले आप लोग कमेंट करें और बता दें वॉइस क्लियर आ रही है, वीडियो साफ दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम हो तो जल्दी से कमेंट करें, फिर हम सेशन को करते हैं स्टार्ट। एक बार थोड़ा शेयर कर दें वीडियो को, फिर इसके बाद हम जो है सेशन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, वीडियो को यार शेयर कर दें, आई होप। फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो को और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि क्वेश्चंस वही हमने लिए हैं जो एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। हमारा मोटिव ये नहीं होता है कि ज्ञान बांटना, केवल हमारा मतलब ये है कि किसी न किसी तरीके से परीक्षा क्वालिफाई हो जाए। बस जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनको हम लाने का प्रयास करते हैं। तो ठीक है यार, स्टार्ट करने से पहले आप जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाएँ। जल्दी से लाइव आ जाएं और बता दें कि वॉइस क्लियर आ रही है, फिर हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक है, एक बार जल्दी से जुड़ें सभी लोग, जल्दी से जुड़ जाएं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट गाइस वीडियो आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस पढ़ते हैं। क्वेश्चंस है कि जो राजघाट है इसका संबंध किससे? तो राजघाट संबंधित है महात्मा गांधी जी, और यह है घाट जो है दिल्ली में है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि शांति वन किससे संबंधित है? तो जो शांति वन है ना, वो जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। वहीं पर विजय घाट जो होता है, विजय घाट का संबंध किससे है? तो विजय घाट जो है अपना ये लाल बहादुर शास्त्री जी से संबंधित है। ठीक है, शक्ति स्थल की बात करें, जो शक्ति स्थल है वो किससे संबंधित है? तो शक्ति स्थल यार जो है वो इंदिरा गांधी से संबंधित है। ठीक है, वहीं पे बात की जाए अभय घाट, जो अभय घाट होता है ये किससे संबंधित है? मोरारजी देसाई से संबंधित है। ठीक है, किसान घाट का संबंध किससे है, किस पर्सन से है? तो चौधरी चरण सिंह। और प्रत्येक वर्ष जो है किस तिथि को जो है किसान दिवस मनाया जाता है? तो 23 दिसंबर को से किसान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, जबकि वीरभूम का संबंध किससे है? वीरभूम का संबंध है राजीव गांधी जी से। ठीक है, समता स्थल का संबंध किससे है? जो समता स्थल है इसका संबंध है जगजीवन राम जी से। तो ये प्रमुख व्यक्तियों की समाधि स्थल थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है ये, और आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, जैसे राजघाट, महात्मा गांधी, शांति वन, जवाहरलाल नेहरू, विजय घाट, लाल बहादुर शास्त्री, शक्ति स्थल इंदिरा गांधी, अभय घाट मोरारजी देसाई, और किसान घाट का संबंध है चौधरी चरण सिंह से, वीरभूम का राजीव गांधी से, और समता स्थल जो है वो जगजीवन राम जी से संबंधित है। ठीक है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगर आपको सीरीज पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, तथा सारे स्टडी ग्रुप एग्री गोल्ड अकेडमी, वेरी गुड, थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। एक बार शेयर कर दें ताकि और भी लोग जुड़ पाएँ। पहले वीडियो में थोड़ी टेक्निकल इशूज के कारण हम इसे कनेक्ट नहीं हो पाए थे आप लोगों के बीच में, उसके लिए सॉरी। तो अब जो है प्रमुख चर्चित व्यक्तियों के लोकप्रिय उपनाम हैं उसकी सीरीज है, हम लोग उसको कवर करते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चंस है, सीमांत गांधी इसका संबंध किससे? जो सीमांत गांधी जी हैं वो खान अब्दुल गफ्फार खान जी को सीमांत गांधी कहा जाता है, और खान अब्दुल गफ्फार खान जी ऐसे प्रथम विदेशी व्यक्ति थे
जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ठीक है। जो राष्ट्रपिता या फिर बापू, इनकी संज्ञा किनको दी गई है, तो महात्मा गांधी को जो है राष्ट्रपिता या बापू के नाम से जाना जाता है। अपने इंडिया में ही वयोवृद्ध पुरुष के नाम से किसे जानते हैं, तो दादा भाई नौरोजी जी को जो है वयोवृद्ध पुरुष के नाम से जानते हैं, ठीक है। लौह पुरुष की जो उपमा है किसको दी गई है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जो है लौह पुरुष की उपमा दी गई है। अगला क्वेश्चन यहीं पे रहता है कि पंजाब केसरी किसका उपनाम है, तो लाला लाजपत राय जी का नोबेल प्राइज मिला था। अच्छा, ठीक है, बोल्ड जी बताने के लिए नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। देखते हैं फिलहाल अगले क्वेश्चन में देख लेते हैं यहीं पे। आंध्र केसरी जो है, आंध्र केसरी का संबंध किससे, टी प्रकाशम से। योगा एंड स्टडी पॉइंट जी हमारे बीच में जुड़ चुके हैं, तो जुड़ने के लिए बहुत बहुत योगा जी स्टडी पॉइंट आपका वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और योगा जी एक बार अपने दोस्तों के बीच में आज शेयर करें, ताकि आज कम से कम 10 से 15 लोग लाइव आ सकें इस सेशन से। आप लोगों के लिए ही इम्पोर्टेंट सेशन है, स्टैटिक जीके का इम्पोर्टेंट सेशन कवर कर रहे हैं यहाँ पे ग्लोरियस ब्रदर। थैंक्स योगा जी। यार योगा जी एक बार शेयर कर दो अपने मित्रों के पास में, जो स्टैटिक जीके का पोर्शन है उससे वो भी लोग जुड़ पाए, ठीक है। चलो पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। जो यहाँ पे बात की जाए कि जो आंध्र केसरी है, आंध्र केसरी जो है, आंध्र केसरी का संबंध किससे है, तो टी प्रकाशम जी हैं, इनको आंध्र केसरी के नाम से जाना जाता है। जबकि शेर कश्मीर किसको कहा जाता है, तो शेख अब्दुल्ला जी को जो है शेर कश्मीर उपमा दी गई है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुए होंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और यहीं पे हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है कि बंगबंधु की उपाधि है किसको दी गई थी, तो शेख मुजीबुर रहमान जी को जो है बंगबंधु की उपाधि दी गई थी, ठीक है। कि द्वंद कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू राड़ा का बन सा जाए, फेंक भाला जहाँ तक जाए। दोस्तों अपनी तैयारी को एक नई धार देने की लगातार एक मेहनत करते रहिए, आप मेहनत करते रहना, आपको सफलता पक्का मिलेगी, ऐसा मेरा खुद का विश्वास और खुद का मानना है, ठीक है। बंगबंधु की उपाधि तो दी गई कि शेख मुजीबुर रहमान को, और ये बांग्लादेश में रहने वाले हैं, जो शेख हसीना हैं जुल्फों वाली उनके पिताजी हैं, ठीक है, संदीप। हेलो सर, हेलो संदीप, कैसे हैं। तो शेख मुजीबुर रहमान जो हैं बांग्लादेश में शेख हसीना जी के फादर हैं, और बांग्लादेश में ही जो है शेख मुजीबुर रहमान जी को जो है, जैसे भारत में महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, ऐसे ही बांग्लादेश में जो है शेख मुजीबुर रहमान को राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान को, जैसे भारत में महात्मा गांधी को जो है राष्ट्रपिता कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार इनको बांग्लादेश का राष्ट्रपिता कहा जाता है, ठीक है, राष्ट्रपिता कहा जाता है। और इनकी पार्टी का नाम है आवामी पार्टी, जो शेख मुजीबुर रहमान है इनकी पार्टी का नाम है आवामी पार्टी, और इनको बांग्लादेश में राष्ट्रपिता कहा जाता है। और शेख मुजीबुर रहमान जो हैं 1971 में जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, तो इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। आई होप ये सब पॉइंट क्लियर हुए होंगे। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है कि देश बंधु की उपाधि किसको दी गई थी, तो जो देश बंधु की उपाधि दी गई थी वो दी गई थी चितरंजन दास जी को। तो जो देश बंधु की उपाधि चितरंजन दास जी को दी गई थी, जबकि दीन बंधु की उपाधि सी एंड्रयूज को है जो है दीन बंधु की उपाधि दी गई थी। सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला गाइस, सो आप वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी यहाँ पे जोड़ लें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक बार जोड़ लें। जो भी 2021 में अपने माँ बाप का सपना पूरा करना चाहता है वो जुड़े हमारे साथ, क्योंकि दिशा एग्रीकल्चर अकेडमी पर मैं मेरा ज्ञान बांटना मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद है केवल और केवल एग्जाम में क्वेश्चन से ज़्यादा मिल जाए, ताकि हमारा सलेक्शन हो पाए। तो उसको ध्यान में रखकर यहाँ पे सीरीज को कवर करते हैं क्वेश्चंस को हम। आई होप आपको पसंद आ रहे होंगे, ठीक है। अब प्रमुख दिवस, जैसे थल सेना दिवस कब मनाते हैं, 15 जनवरी को आर्मी डे मनाते हैं,
अब जैसे आपसे पूछ लिया जाए, क्या हाल है भाई गोवर्क, हमारे बीच में स्टडी विद नीरज सर जी जुड़ चुके हैं, उनका मोस्ट मोस्ट वेलकम है हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं ठीक हूँ सर, आई होप आप भी अच्छे होंगे। और सर कैसे हैं आप, तो वीडियो को थोड़ा शेयर भी कर दें सर, ताकि और भी बच्चे हमारे बीच में जुड़ पाएँ। ठीक है, तो जो थल सेना दिवस होता है ये 15 जनवरी को मनाया जाता है। यहीं से अगर आपसे कोई पूछ दे कि नौसेना दिवस कब मनाते हैं, ठीक है, और वायुसेना दिवस कब मनाते हैं, तो जो नौसेना दिवस होता है, जो नौसेना दिवस होता कब मनाते हैं, तो 4 दिसंबर को जो है नौसेना दिवस मनाते हैं, और वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाते हैं। तो थल सेना दिवस 15 जनवरी को और नौसेना दिवस 4 दिसंबर को, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाते हैं। ठीक है जी संदीप जी, मैंने खाना खा लिया, आई होप आप भी खा चुके होंगे। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सभी लोग जानते होंगे इस क्वेश्चन को कि गणतंत्र दिवस या रिपब्लिक डे कब मनाया जाता है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, कभी परीक्षा में आता नहीं है क्योंकि तो सभी लोग जानते हैं इसलिए। ठीक है, अब जो क्वेश्चन नेक्स्ट है कि शहीद दिवस यहाँ पे कब मनाया जाता है, तो यार देखो ये जो शहीद दिवस है 30 जनवरी की जो डेट दी गई है, ये महात्मा गांधी से संबंधित है, ये महात्मा गांधी जी से संबंधित है 30 जनवरी को। ठीक है, क्योंकि 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी, जिसके कारण शहीद दिवस मनाया जाता है। अब अगर बात शहीद दिवस की आई तो यहीं पर जो है एक और पॉइंट भी हम कवर कर लेते हैं कि जो 23 मार्च को जो है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, 23 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी को फांसी हुई थी 23 मार्च 1931 में। ठीक है, तो जब मेरे को फांसी हुई थी तो 23 मार्च को भी शहीद दिवस मनाते हैं भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी की यादगार में। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं, तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं 8 मार्च को। ठीक है, और विश्व वानिकी दिवस की बात करें तो कब मनाते हैं भाई, 21 मार्च को जो है विश्व वानिकी दिवस मनाते हैं। आई होप आप सबको ये पॉइंट क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को, विश्व जल दिवस 22 मार्च को। अब 22 मार्च की बात आई तो 22 का आंकड़ा थोड़ा हम देख लेते हैं कि 22 का आंकड़ा थोड़ा देख लेते हैं। जैसे 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई, तो क्या मनाया जाता है। ठीक है, चलो आंकड़ा देख लेते हैं आप लोग। जैसे 22 मार्च को क्या मनाते हैं, जल दिवस, विश्व जल दिवस मनाते हैं, और 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं, तो विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। ठीक है, जबकि 22 मई को जो है जैव विविधता दिवस, तो 22 मार्च को जल दिवस मनाते हैं, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं, और जबकि 22 मई की बात करते हैं तो जैव विविधता दिवस या बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो रहे होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो एक बार अगर वीडियो अच्छा कर दें तथा अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कर दें, क्योंकि दोस्तों आपको पक्का क्वेश्चन यहाँ से मिलने वाले हैं, क्योंकि मैं केवल और केवल एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस पर ही चर्चा करता हूँ, फालतू का टाइम पास करना हमारी हैबिट में है भी नहीं। तो कि हो चुका आगाज लड़का युग बदलने की तैयारी, हो चुका आगाज लड़का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। बिल्कुल बात सही है, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारे बीच में बहुत ही ज़्यादा प्यारा क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या है। विश्व जल दिवस हो चुका है विश्व टीबी दिवस, प्यारे विद्यार्थियों टीबी दिवस। ठीक है, तो विश्व टीबी दिवस की बात की जाए तो 24 मार्च यानी आज ही के दिन मनाया गया है विश्व टीबी दिवस। ठीक है, और भारत में टीबी को खत्म करने का टारगेट कितना रखा गया है, तो 2025 तक भारत में टीबी बिल्कुल ज़्यादा हमेशा के लिए बिल्कुल और बिल्कुल टीबी पूर्ति या 100% खत्म हो जाएगी, जबकि विश्व में टीबी खत्म करने का जो टारगेट दिया गया है वो क्या है, 2030। आई होप ये सब पॉइंट को भी आपको समझ के चलना होगा। ठीक है, इस क्लास की पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल देश एग्रीकल्चर एकेडमी कानपुर पर भी आप जुड़ सकते हो।
अगला क्वेश्चन कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। भाइयों मेरे, विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है, विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। हेलो सर, पानी भी पी लो। अरे रहने दो यार संदीप, तुम ही पियो पानी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 7 अप्रैल को जो है भाई विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। कारण क्या है, कारण क्या है, तो कारण क्या है इसका, क्योंकि 7 अप्रैल 7 अप्रैल 1948 को है WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन या फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन पूछ दे कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में तो इसका हेड क्वार्टर है। और WHO के वर्तमान में अगर हेड की बात कर दी जाए, WHO के वर्तमान में अध्यक्ष की बात कर दी जाए, तो वो कौन है, डॉक्टर टेड्रोस। डॉक्टर टेड्रोस जो हैं WHO के वर्तमान में हेड हैं। जबकि इसकी कार्यकारिणी बोर्ड के अध्यक्ष की कोई बात करता है तो अपने यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री राजवर्धन सिंह राठौर जी का जिक्र होता है। आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर हुए होंगे। अगर सब कुछ क्लियर है तो जल्दी से कमेंट करें। बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहीं पर है कि विश्व श्रमिक दिवस कब मनाते हैं। तो भैया मेरे, 1 मई को जो है प्रतिवर्ष विश्व श्रमिक डे मनाते हैं, ठीक है। रेड क्रॉस दिवस की बात की जाए तो प्रतिवर्ष 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं, क्योंकि रेड क्रॉस का मुख्यालय अगर कोई आपसे पूछता है तो फिर से अगेन जिनेवा इसका आंसर होगा। और रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी, तो आपको बताना है हेनरी ड्यूरेंट। मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस बहुत ही प्यारे हैं, जैसे विश्व नर्स दिवस, एग्रीगोल्ड हाई एकेडमी। एग्रीगोल्ड जी बिल्कुल आप मुझसे जुड़े रहें, आपकी तैयारी को एक नई धार मिल जाएगी, ठीक है। तो क्या है भाई, विश्व नर्स दिवस कब मनाते हैं, 12 मई, और 12 मई को विश्व नर्स दिवस मनाते हैं, ठीक है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू राड़ा का वंशज है, फेंक भाला जहाँ तक जाए। तो अगला अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से संबंधित क्वेश्चन है, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी सीमा रेखा साझा करती है, तो वो उसका आंसर होता है रेड क्लिफ, ठीक है। ऐसे ही भारत और धोखेबाज चीन के बीच कौन सी रेखा साझा होती है, तो मैकमोहन रेखा, ठीक है। एग्रीगोल्ड मेरे लिए जो है तरबूज भेज रहे हैं, सेब और बनाना, थैंक यू थैंक यू, आप भी खाएं। खैर अभी क्लास को चलाते हैं, बाद में खाते हैं। तो क्या है भाई, जो भारत और चीन के बीच में रेखा है तो मैकमोहन है, जबकि हिंडनबर्ग रेखा की बात कर ली जाए तो जर्मनी और पोलैंड के बीच में रेखा पाई जाती है। मैगिनॉट रेखा की बात कर ली जाए तो जर्मनी एंड फ्रांस के बीच में कौन सी रेखा है, मैगिनॉट। लव यू सर, थैंक यू अगेन, आपको भी लव यू। तो यार क्वेश्चन को देखते हैं, मैनरहीम रेखा है, मैनरहीम ये रूस और फिनलैंड को जोड़ती है ये रेखा, ठीक है। जबकि यार भाई मेरे, बात करते हैं 38 समांतर रेखा जो है 38वीं, ये उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को जोड़ती है, ठीक है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को जोड़ती है 38। जबकि यहीं पे बात अपन लोग कर लेते हैं कि 49वीं समांतर रेखा क्या है, तो 49वीं समांतर रेखा जो है USA एवं कनाडा के बीच में पाई जाती है। बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। आपसे सर मुझे प्यार हो गया, अरे यार क्या बात करते हो तुम भी यार ना, एग्रीगोल्ड जी प्यार के लिए किसी लड़की को देखो भाई, ठीक है। डूरंड रेखा की बात की जाती है तो नल्ला और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा। इतना प्यार एवं सपोर्ट देने के लिए एग्रीगोल्ड जी, आपका दिल से थैंक यू, फ्रेंड्स अगेन लव यू। अब अपन लोग बात करेंगे कि विभिन्न खेलों में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या, विभिन्न प्रकार के खेल होंगे और उसमें एक पक्ष में जो है क्वेश्चंस की संख्या। सर आपके गुड लाइफ क्वेश्चन है, थैंक यू संदीप जी, थोड़ा आंसर भी करेंगे, अभी टेस्ट सीरीज आने वाली है उसके बाद में आप सभी लोग उसका आंसर भी करना है, ठीक है।
चलो कबड्डी एक ट्रिक के माध्यम से भी समझ लेंगे यहाँ पे जो खेल है, जैसे कबड्डी, कबड्डी में क्या है, केवल और केवल 7 खिलाड़ी होते हैं। जब 7-7 होते हैं तब कबड्डी का खेल होता है, जब 7-7 होते हैं तो कबड्डी का खेल होता है। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल सभी लोग जानते हैं, पॉपुलर खेल होते हैं, और इनमें जो एक पक्ष में प्लेयरों की संख्या होती है, एक टीम में जो प्लेयरों की संख्या होती है वो 11। ठीक है, रग्बी फुटबॉल में कितनी संख्या होती है? रग्बी तो आपने तो सर मेरा दिल ही फोड़ दिया, अरे रहने दो भाई। तो रग्बी फुटबॉल में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है 15। क्या तुम्हारा चल जुट्टी सुनने का मूड है भाई? तो रग्बी फुटबॉल में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वो तो होती है 15। ठीक है, खिलाड़ियों की संख्या होती है वो कितनी होती है भाई? तो 15 होती है। ठीक है, यहीं पे हम बात कर लें पोलो। तो एग्री जी, आप कमेंट करके बताओ कि पोलो खेलते समय किस दिल्ली सुल्तान की मृत्यु हो गई थी, पोलो खेलते समय किस दिल्ली सुल्तान की मृत्यु हुई थी, तो जल्दी से बताएं आप। योगा जी एक बार आप ये बताएं कि पोलो खेलते समय किस दिल्ली सल्तनत के सुल्तान की मृत्यु हुई थी। ठीक है, जल्दी से कमेंट करें जिसको भी पता हो। तो यार पोलो में खिलाड़ियों की संख्या होती है 4, पोलो में खिलाड़ियों की संख्या होती है 4, जबकि वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या क्या होती है? 7। पोलो 4, वाटर पोलो 7, पोलो 4, वाटर पोलो 7। जल्दी से आपको ये बताना है कि पोलो खेलते समय किस सुल्तान की मृत्यु हो गई थी, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था, किसकी मृत्यु हुई थी, पोलो या फिर चौगान? कुतुबुद्दीन ऐबक, बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर आ रहा है योगा एंडस्टी पॉइंट का, कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। और आप लोग ये बताओ वर्तमान समय में जो है कुतुब मीनार कितने मंजिल की इमारत बनी हुई है। ठीक है, मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या क्या होती है? बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या होती है तो 9, और खो खो में भी बात कर दी जाए तब भी खिलाड़ियों की संख्या होती है 9। आप लोग समझ सकते हो, बेसबॉल में तो खिलाड़ियों की संख्या 9 और खो खो में भी खिलाड़ियों की संख्या क्या होती है? 9। जबकि बास्केटबॉल में तो खिलाड़ियों की संख्या 5 ही होती है। तो केवल आपको यही याद रखना कि बेसबॉल में 9, खो खो 9, बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 5, जबकि वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या, वॉलीबॉल हमेशा बच्चे लोग गांव में खेलते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं, 6-6 खिलाड़ी एक पक्ष में, 6 एक टीम के एक पक्ष में 6 खिलाड़ियों की संख्या। जबकि टेनिस, बैडमिंटन, टेबल टेनिस इनमें तो खिलाड़ियों की संख्या 1-2 ही होती है, वेरी सिंपल, एक्स्ट्रा वेरी सिंपल। जबकि क्रॉके होता है इसमें 13-15 खिलाड़ी हो सकते हैं। और सर्वाधिक खिलाड़ियों की संख्या किस खेल में होती है? तो आइस हॉकी। आई होप आप सबको ये पॉइंट अगर क्लियर हो चुके हैं तो आगे क्वेश्चन का आप जवाब दें। तो संविधान की किस अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है? कहने का मतलब संविधान की वह कौन सी अनुसूची है जिसमें राजभाषा संबंधी उल्लेख मिलता है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या 22 मानी जाती है। जबकि मूल संविधान में भाषाओं की संख्या की बात की जाए तो 14 थी। जब मूल संविधान का निर्माण हुआ था उसमें मूल संविधान में भाषाओं की संख्या जो थी वो केवल और केवल 14 थी, लेकिन वर्तमान में समय में इसकी संख्या 22 हो चुकी है। और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा उल्लेख मिलता है? सॉरी, तो भारतीय संविधान की 343 से 351 अनुच्छेद तक राजभाषा संबंधी उल्लेख मिलता है। और भारत की जो हिंदी है वो क्या है, राजभाषा है या राष्ट्रभाषा? तो राजभाषा है दोस्तों, राष्ट्रभाषा बिल्कुल नहीं है। वाह भाई वाह, तो यहाँ योगा स्टडी जी ने बहुत अच्छी एक कविता, एक पोएट्री पॉइंट भेजी है, मजा आ गया सुनकर। सॉरी, सॉरी, क्वेश्चन है कि भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में
संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है। ठीक है, तो भारतीय संविधान की जो आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी को मान्यता प्राप्त है। ठीक है, मैं बता चुका हूँ कि संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी होगी, ऐसा किसमें कहा गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 343 में यह बताया गया है, संविधान के अनुच्छेद 343 में यह बात को बताया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। मोवान करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, तो पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अब अपन लोगों की कुछ जनरल एग्रीकल्चर की क्लास है, लगभग सभी एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आते हैं, तो किसी को कहीं भाग में नहीं जाना है, इस क्लास को भी अटेंड कर लो। जनरल एग्रीकल्चर, चावल की पुष्प क्रम को क्या कहते हैं? जो चावल का पुष्प क्रम होता है उसको क्या कहते हैं? चार ऑप्शन आपके सामने, कमेंट करके आप इस क्वेश्चन का सही जवाब दे सकते हैं। योगा जी, अगर इसी प्रकार के आप लेटेस्ट और भी वीडियो चाहते हैं तो एक बार कमेंट करें, ताकि स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर्स दोनों का मैं पोर्शन लेकर आऊँ। ठीक है, तो आई होप अच्छे लग रहे होंगे आपको क्वेश्चंस, और अच्छा लग रहा होगा नहीं। तो चावल के पुष्पक्रम होते हैं इनको क्या बोलते हैं? पेनिकल्स। तो राइस के इनफ्लोरिसेंस को पेनिकल्स बोलते हैं, और जो सिलिकुआ प्रकार के पुष्पक्रम पाए जाते हैं वो सरसों में। आप जितने भी लोग वीडियो को वॉच करें तो एग्रीकल्चर वाले बंदों को जोड़ लें, क्योंकि उनके लिए वीडियो बहुत अब खास होने वाला है। ठीक है, योगा, बहुत खूब सर जी, थैंक्स योगा जी, आपका समय हमारी यूट्यूब चैनल पर इतना आपने समय दिया, इसलिए आपका दिल से थैंक यू। और आप डेली 6 से 7 के बीच हमारी क्लास चलती है, इससे पहले थोड़ी टेक्निकल इश्यूज के कारण मैंने क्लास को सही से प्रॉपर समय पर और नहीं ले पाया, जिसके कारण मैं सभी से सॉरी बोलना चाहूँगा। तो फिलहाल इस क्वेश्चन को देख लें आप लोग। योगा जी, जनरल एग्रीकल्चर क्लास सभी के लिए इंपॉर्टेंट, इसी ही क्लास की ज़रूरत है, ऐसी ही क्लास की ज़रूरत है। थैंक्स योगा जी, मैं इसी प्रकार के वीडियो डेली लाता रहूँगा, और आप लोग अपना प्यार बनाए रखें। तो करंट जीके प्लस स्टैटिक जीके के भी इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग डेली के डेली क्लास में लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो समझते हैं क्वेश्चंस को। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, कुछ उत्पाद होंगे और कुछ प्रोटीन हैं, वो किससे क्या संबंधित हैं? ठीक है, तो दूध में कौन सी पाई जाती है? थोड़ा क्वेश्चन को और ऊपर कर लेते हैं। दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? सभी बच्चा लोग जानते हैं दूध में कौन सी पाई जाती है? केसिन। तो दूध में तो केसिन पाई जाती है, जबकि अंडे में कौन सी होती है? अंडे में एल्ब्यूमिन पाई जाती है। मांस में मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है, जबकि ऊन में क्या है? केराटिन प्रोटीन पाई जाती है। तो दूध में केसिन, अंडे में एल्ब्यूमिन, मांस में मायोसिन, ऊन में केराटिन, ऊन हों चाहे बाल हों चाहे नाखून हों, इनमें प्रोटीन केराटिन ही पाई जाती है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। तो बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि मूंगफली का जन्म स्थान क्या है? मूंगफली का जन्म स्थान कहाँ, इसका उद्भव कहाँ पे हुआ था? तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके बता सकते हो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। एक बार दबा के शेयर कर दो, लाइक कर दो दोस्तों। ठीक है, जनरल एग्रीकल्चर क्लास जो कि सभी आगामी वनडे एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, चाहे एग्जाम कोई भी हो, एग्रीकल्चर के भी अतिरिक्त एग्जाम हो, ये क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है, तो आपको बहुत ही हेल्पफुल आपकी परीक्षा के लिए हो सकते हैं। जैसे मूंगफली के ओरिजिन की बात करें तो ब्राजील ही जो है, काजू की बात करें काजू का जन्म स्थान है ब्राजील, और उसके बाद मूंगफली का तो है ही है, और अनानास। तो अनानास, काजू, मूंगफली, इन सब का उद्गम स्थल या जन्म स्थान कहाँ पे है? ब्राजील। आई होप ये सब पॉइंट आपको क्लियर हुए होंगे। तो बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कि मंजिल ने हौसलों से कहा, तेज की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर कहा, चल छुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो आंसर है क्या हो सकता है? निम्नलिखित किस कीड़े के प्रकोप से हॉपन बर्न हो जाता है? एक हॉपन बर्न डिजीज होता है, तो किस कीड़े के प्रकोप से हो जाता है? ठीक है, चल भाई देख लेते हैं क्वेश्चन को। AMK इंडियन ब्लॉग, ए ऑप्शन। थैंक यू एम के इंडियन ब्लॉग जी, आप भी जुड़ने के लिए।
आप भी अगर तैयारी करते हैं तो इंडियन ब्लॉग जी, कोई भी हो आपके घर में बच्चा हो, कोई भी अगर तैयारी करता हो तो हमारी करंट अफेयर प्लस स्ट्रैटेजी जीके का टॉप पोर्शन रहता है, तो वो आप लोग जरूर देख लें, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन करेक्ट। मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन तत्व मृदा में वातावरण के द्वारा पहुंचता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है जो वायुमंडल से मृदा में पहुंचता है केवल वातावरण के द्वारा, ठीक है, तो फास्फोरस है या पोटास है या जिंक है या फिर नाइट्रोजन। तो यार जो नाइट्रोजन है, ये जो है वातावरण के द्वारा सॉइल में पहुंचता है, ठीक है, और नाइट्रोजन ही है किसी क्रॉप के ग्रेन्स में प्रोटीन निर्माण में सहायक होता है, ठीक है, जबकि पोटास के द्वारा कोई भी सब्जी हो, फल या खाद्यान्न हो, उसमें गुणवत्ता बढ़ाता है, इसका कारण क्या होता है, गुणवत्ता क्वालिटी बढ़ाता है ये, ठीक है, और फास्फोरस जो होता है कोई भी क्रॉप हो उसकी रूट की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, रूट ग्रोथ, ठीक है। मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि मटर की न्यूनतम अवधि की सब्जी वाली उत्तम प्रजाति कौन सी है। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें एक ऐसी वैरायटी है जो बहुत कम समय में ही सब्जी के लिए तैयार हो जाती है। इस आर केल, बोन बिले, आजाद या असौजी, आप लोग कमेंट करें और इसका सही आंसर दें, क्या हो सकता है सही आंसर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, क्या करेक्ट आंसर हो सकता है आप लोग का सही जवाब दें, तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा असौजी। तो मटर की जो है असौजी की ऐसी प्रजाति है जो बहुत ही कम समय में तैयार हो जाती है, इस कारण असौजी को जो है अति अगेती किस्म के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, असौजी को। फिलहाल ये चारों ऑप्शन ही सब्जी वाली मटर की वैरायटी है। मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं तो आप भी कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। नाइस सर जी, धीरेंद्र सिंह, थैंक यू धीरेंद्र सर जी, आपका धीरेंद्र जी आपका जुड़ने के लिए इस लाइव सेशन से बहुत बहुत धन्यवाद है। और धीरेंद्र जी सारे दोस्तों के बीच में थोड़ा शेयर कर दें, और हमारे चैनल पर लाइव टू लाइव क्लासेस चल रही हैं, तो आप भी जो भी छात्र इच्छुक हों एग्रीकल्चर की और करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके की भी क्लास यहाँ पर चल रही है, ठीक है, तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। सभी लोग कमेंट करके बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सर्वप्रथम शंकर धान किस देश में व्यावसायिक रूप से, अभिलाख यादव, तो अभिलाख यादव आपका हमारे सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद, और एक बार वीडियो को लाइक कर दें अगर लाइक नहीं किया है, और चैनल पर पहली बार अगर आए हो। अखिलेश यादव जी जुड़ चुके, सुपर क्लास सर, थैंक यू अखिलेश जी, नहीं अभिलाख जी, सुपर क्लास, आपका इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद आपका। आप अगर 2021 में अपने माँ बाप का सपना पूरा करना चाहते हैं तो आप जुड़े रहें हमारे साथ में, क्योंकि जनरल एग्रीकल्चर के अतिरिक्त स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स का इम्पोर्टेंस शो भी हम लोग देते हैं अपने चैनल पर। तो चैनल पर यार पहली बार विजिट की हूँ तो हमको सब्सक्राइब कर लें, और कहना है आप लोगों के लिए रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रास्ते के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। सॉरी, तो फिर देखते इसका आंसर क्या सही होगा भाई। तो सर्वप्रथम शंकर धान की जो व्यावसायिक रूप से खेती की गई थी वो कहाँ पर की गई थी, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, भारत, जापान, अमेरिका, चीन, जल्दी से कमेंट करें और बता दें कि इस क्वेश्चन का क्या सही आंसर होगा। जल्दी से कमेंट करें और ये बता दें कि क्या आंसर यहाँ पर सही होने वाला है।
आपके आंसर का मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी से बता दें इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बता दें करेक्ट आंसर क्या होगा कि जो धान की खेती है संकर धान की सबसे पहले जो है व्यावसायिक रूप से कहाँ पर की गई थी, भारत, जापान, चाइना या फिर अमेरिका। कमेंट फर्स्ट, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा चाइना। तो चीन में जो है सब संकर धान की खेती की गई थी। संकर धान के पिता की बात कर ली जाए, संकर धान के पिता की बात कर ली जाए तो युवान लॉन्ग बोला जाता है। पर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, क्रॉप लॉजिंग का प्रयोग किस फसल में किया जाता है। जो क्रॉप लॉजिंग होती है, हमारी फसल बढ़ने के बाद गिर जाती है, वो किस फसल में किया जाता है ऐसा, तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि गन्ने में यह सबसे मतलब द्वंद कहाँ तक टाला जाए, युद्ध कहाँ तक पाला जाए, फेंक बाला जहाँ तक जाए। बिल्कुल मेरे अभिलाग भाई, भाला फेंकना और ऐसा भाला फेंकना कि सीधी परीक्षा की खोपड़ी में छेद हो जाए और दोबारा छेद कभी भर ही ना पाए। इस बात में सिलेक्शन लेना है और पक्का जॉब लेनी है भाई, अपने माँ बाप का सपना पक्का ही पूरा करना है। तो जुड़े हमारे साथ में और अपनी तैयारी को दे दें एक नई दिशा। तो दिशा एग्रीकल्चर पर सभी का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से स्वागत है। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा शुगर कैन यानी गन्ना। तो क्रॉप लॉजिंग की जो समस्या होती है वो गन्ना में पाई जाती है, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन भी बताएं आप लोग कि चाय भारत के किस राज्य में सर्वाधिक होती है, भारत का कौन सा राज्य है जो चाय के उत्पादन में अग्रणी है। किस राज्य में चाय सर्वाधिक होती है, भारत के कौन से राज्य में चाय सबसे ज्यादा होती है, जल्दी से करें। असम। अभिषेक चतुर्वेदी, बिल्कुल यार मेरे भाई तेरा सही आंसर भाई, अभिषेक चतुर्वेदी भी असम। अच्छा अब ये भी बता दो कि असम में दर्द मोहब्बत का ये दोस्त खूब बहुत ना चुभेगा ना दिखेगा वक्त महसूस होगा। वाह भाई वाह, यहाँ तो बिल्कुल शायर बाजों की लाइन लग गई। खैर कोई बात नहीं, अच्छी बात है, इसी प्रकार के आप जॉक्स भी मारते रहें और अपने पढ़ाई को मत भूलें, एक नई दिशा देते रहें, ठीक है। तो यार करंट अफेयर्स पर स्टैटिक जीके का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कवर करूँगा, उससे पहले करता हूँ। बट ये जनरल एग्रीकल्चर की क्लास है जो सभी एग्जाम की परीक्षाओं को नस्ते नाबूद करने के लिए पर्याप्त रहती है, ठीक है। फिलहाल जो चाय के उत्पादन में अग्रणी जो राज्य है वो असम, और असम में एक फेमस जो है वन्य जीव अभयारण्य है, क्या बोलते हैं, कांजीरंगा। कांजीरंगा किसके लिए फेमस प्रसिद्ध है, जल्दी से बताओ। कांजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये किसके लिए फेमस है, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि असम का राजकीय पशु क्या है, असम का राजकीय पशु क्या है, जल्दी से कमेंट करके बता दें इसका आंसर। चाय असम में होती है, असम में एक कांजीरंगा नेशनल पार्क है जो किसके लिए प्रसिद्ध है, एक सिंह वाले गैंडे के लिए। अभिलाख यादव गैंडा, बिल्कुल मेरे भाई, एक सिंह वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। और यही जो है एक सिंह वाले गैंडे के लिए जो प्रसिद्ध है, एक सिंह वाले गैंडे के लिए, ठीक है, कांजीरंगा नेशनल पार्क। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि मोता का संबंध किससे है, मोता की फैमिली क्या है। तो ग्राम निकुल से है या फिर मालवेसी साइप्रेसी लिलीसी, क्योंकि मोता हम लोग सभी जानते हैं एक प्रकार का खरपतवार है जो फसलों को हानि पहुंचाता है। ये किस कुल में आता है, किस कुल में आता है, सी ऑप्शन करेक्ट, साइप्रेसी। वाह भाई वाह, गजब यार अभिषेक चतुर्वेदी, मान गए आपको, लगातार आंसर पे आंसर दिए जा रहे हो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। साइप्रस, वाह यार क्या बात करते हो, दिल जीत लिया तुमने तो मेरा, अभिषेक चतुर्वेदी जी साइप्रेसी। मोता साइप्रेसी कुल में आने वाला एक खरपतवार होता है, और मोते के वैज्ञानिक नाम की बात की जाए तो साइप्रस रोटंडस। अभिलाख यादव सी, बहुत अच्छे। अच्छा जल्दी से बताओ कि जो फ्लेरिस माइनर है गेहूं का खरपतवार, गेहूं का मामा है, वो किस कुल से संबंध रखता है, जल्दी से बताओ। जो गेहूं का मामा है वो किस कुल से संबंधित है, जल्दी से बताओ, कमेंट फास्ट, लेट्स क्रैक इट, जल्दी से करें आंसर। कि जो गेहूं का मामा है फ्लेरिस माइनर है वो किस कुल में आता है, ग्रैमनी। बा यार गजब यार ग्रैमनी, बिल्कुल सही आंसर है। फिलहाल बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अभिषेक चतुर्वेदी जी किसकी प्रिपरेशन करते हैं आप, किस एग्जाम को लेकर आप प्रिपरेशन करते हैं, किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जल्दी से ये भी बता दें मुझे।
जल्दी से मुझे बता दे किस एग्जाम की तैयारी करते हैं, अभिलाख, अभिषेक, योगेश्वरी पॉइंट एंड एग्री, गोल्ड, संदीप, बहुत सारे लोग जी हमारे बीच में जुड़ चुके हैं एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की। वो गुड यार, अभिषेक चतुर्वेदी, आई होप आप पक्का भविष्य में एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर जरूर बन रहे हैं, ऐसी मेरी इच्छा और मेरी कामना है। आप पक्का सक्सेस होंगे, लगातार मेहनत करते रहें और अपने दोस्तों को भी हमारे चैनल से जोड़ते रहें, क्योंकि जितना भी आप सपोर्ट बना के रखोगे मैं दिन पर दिन उतने अच्छे से वीडियो लेक्चर, हो सकता है टेक्निकल और भी टीम बढ़ाकर एक अच्छी नॉलेज आप लोगों के बीच में लेकर आए। UPSI, अच्छी बात है। अभिलाख यादव, आप UPSI की तैयारी करते हो, ठीक है, अच्छी बात है। तो करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके के 100 टॉप में क्वेश्चन हम लगाते हैं और एक अलग क्लास भी लेकर आते हैं। अगर आप लोग ज़्यादा लोग उसमें जुड़ोगे, 10 से 15 20 लोगों की बातचीत आएगी, तो मैं पूरा अथेंटिक क्वेश्चन को उठाकर ही कवरअप करवाएंगे, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि सबसे महंगे बीज की श्रेणी है, कौन सा बीज की श्रेणी है जो सबसे महंगा है, जैसे आधारीय, प्रमाणित, ट्रुथफुल या जनक, कौन से सीड सबसे कॉस्टली होते हैं, तो आप कमेंट करके बता सकती हो इसका सही आंसर। सबसे महंगे बीज की श्रेणी क्या है, आधारीय, प्रमाणी, ट्रुथफुल या जनक, कमेंट फास्ट। और जितने भी लोग बात कर रहे हैं अपने दोस्तों को थोड़ा शेयर कर दो, अपने दोस्तों को थोड़ा शेयर कर दो ताकि और भी लोग जुड़ पाएँ। मैं बता देता हूँ, मेरा नाम सुमित यादव, देश फाउंडर ऑफ देसा एग्रीकल्चर अकेडमी कानपुर, और प्रेजेंट टाइम पर मैं भी कन्नौज जिले का रहने वाला हूँ। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई भी कहीं से हो, और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, कुछ भी हो, हम सब आपस में भाई भाई है, एक हमारी लोगों की यूनियन है, ठीक है। जल्दी से यार कमेंट करो अगर आपको आंसर आता हो, ठीक है। सबसे महंगे बीज कहाँ के हैं, किस श्रेणी के होते हैं, ठीक है, आधारी, प्रमाणित या ट्रुथफुल या फिर जनक। तो इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर होगा यार जनक बीज जो होते हैं, जनक बीज जो होते हैं, इसको हम जनक बीज भी बोल सकते हैं। कारण क्या है कि इस प्रकार के बीजों को एक ब्रीडर की देख रेख में पैदा किए जाते हैं, और ये सीड सबसे ज़्यादा कॉस्टली होता है। इस सीड से आधारी का निर्माण होता है और आधारी से प्रमाणित का निर्माण होता है। क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है कि जनक या प्रजनक बीज होते उसके टैग का रंग क्या होता है, तो आप लोग बता सकते हो गोल्डन येलो इसके टैग का रंग होता है, जबकि आधारी बीज के टैग का रंग क्या होता है, व्हाइट। योगेंद्र पॉइंट, थैंक यू। अगला क्वेश्चन है कि पादप वृद्धि के लिए अनिवार्य पोषक तत्वों की संख्या क्या है, 8, 16 या फिर 12 या फिर डी ऑप्शन। जो एक क्रॉप के लिए, एक फसल के लिए, वृद्धि के लिए कुल कितने तत्वों की आवश्यकता होती है, ठीक है, 8, 16, 12, 20 जनरल क्वेश्चन है जो सभी परीक्षाओं में आता है। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, अभिषेक चतुर्वेदी एंड अभिषेक चतुर्वेदी सी, फिर डी अभिषेक चतुर्वेदी, ठीक है। तो फिलहाल जो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होता है यहाँ पे सी, लेकिन लेकिन प्रेजेंट टाइम पर एक और तत्व जोड़ दिया गया है, तो अब वर्तमान समय में जो है पौधों की वृद्धि के लिए 17 तत्व माने जाते हैं। संकल्प श्रीवास्तव जी, आपका मोस्ट वेलकम है। संकल्प श्रीवास्तव जी, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हम जब भी आपके बीच वीडियो लेकर आएँ आपके पास नोटिफिकेशन टाइम से पहुँचे और आप टाइम से क्लास देते रहें। तो पादप वृद्धि के लिए जो अनिवार्य तत्वों की संख्या होती है वो होती है 16, लेकिन वर्तमान समय में एक और तत्व बढ़ चुका है तो कुल संख्या हो गई है 17। 17वां तत्व है कौन सा, तो निकिल, निकिल जो है वो 17वां तत्व है। तो कुल मिलाकर अब पोषक तत्वों की संख्या 17 है। फिलहाल यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग सी ऑप्शन करेक्ट होता है। बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कि रखोसला वो मंजर भी आएगा, रखोसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ के मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। इस क्वेश्चन का उत्तर करें जल्दी से आप, कि मृदा में किस सूक्ष्म जीव की संख्या सर्वाधिक होती है, सॉइल होती है, इसमें किस सूक्ष्म जीव की संख्या सबसे ज्यादा पाई जाती है, एल्गी, फंगस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ।
कर दें फटाफट सही आंसर, जल्दी से कमेंट कर दें। बी ऑप्शंस अभिषेक चतुर्वेदी, बी ऑप्शंस। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है अभिषेक चतुर्वेदी जी, थैंक यू सही आंसर कराने के लिए भाई। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, बैक्टीरिया जो सॉइल्स होती हैं, जो भूमियाँ होती हैं, उनमें बैक्टीरिया यानी जीवाणु की संख्या सबसे ज़्यादा पाई जाती है ऐसा। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन एक सुमेलित नहीं है? कहने का मतलब तीन जो हैं अपनी बीमारियों से सुमेलित हैं, सही जोड़े हैं, लेकिन एक जोड़ा ऐसा है जो गलत है, आप लोगों को बताना है। कर दें कमेंट जल्दी से और सेशन को अपने विद्यार्थियों के बीच में थोड़ा शेयर जरूर कर दें, विद्यार्थियों के बीच में सेशन को शेयर कर दें। अभिषेक चतुर्वेदी जी सी, सी बिल्कुल सही। तो अभिषेक चतुर्वेदी जी आपका आंसर एकदम सही है। अभिषेक अभिलाख आप जितने भी लोग हो यार थोड़ा शेयर कर दें एक बार दोस्तों के बीच में। सॉरी रवि शाख जी, नाइस भाई, आपका हमारे इस लाइव सेशन से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एवं आस दोस्त। थोड़ा अगर वीडियो को अभी भी आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, इससे हौसला क्या होता है कि हम सबका हौसला बढ़ता है और कुछ अच्छा करने का प्रयास करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, सी, क्योंकि ज्वार में यह बीमारी नहीं लगती है, यह बीमारी लगती तो लगती किस में है, बाजरा में ठीक है, बाजरा में लगती बीमारी आर्कट क्लेबिशिप्स फ्यूजीफॉर्मिस नामक कवक द्वारा, जबकि आलू में जो है झुलसा लगता है अगेती और पछती, और तिल में बीमारी लगती है फाइलोडी, तिल में बीमारी फाइलोडी लगती है वो लगती है मुको प्लाज्मा के द्वारा, और कंडुआ रोग का संबंध किससे, गेहूं से। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा सी। बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। अगला क्वेश्चन है यार पेगिंग मीन्स कोठी बनाना, ये किस फसल से संबंधित है? पेगिंग एक प्रकार की प्रोसेस होती है जो किससे संबंधित है, मक्का अरहर सोयाबीन या मूंगफली। तो भी ऑप्शन करेक्ट है अभिषेक चतुर्वेदी, भी ऑप्शन करेक्ट है अभिषेक जी। आप थोड़ा दोस्तों के बीच में अपने वीडियो को शेयर कर दें, अभिषेक जी अपने दोस्तों के बीच में थोड़ा शेयर कर दें जितने भी ग्रुप हों। अभिषेक चतुर्वेदी जी जितने भी आपके दोस्त लोग हों एक बार वीडियो को दबा के शेयर कर दो ठीक है। चलो तो पैगिंग का संबंध किससे, मूंगफली से ठीक है, मूंगफली से संबंध है पैगिंग का। मूंगफली बात कर दी जाए तो मूंगफली में एक भयंकर बीमारी लगती है जिसका नाम होता है टिक्का, टिक्का रोग होता है ठीक है, जो कि सर्कोस्पोरा, जो कि सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा, जो कि सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा नामक कवक के द्वारा होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो कमेंट करके बता दें कि यस सर गुड गुड, लिख के भेजें थोड़ा भाई। डेयरी पशुओं का उत्पादक जीवन होता है, जो डेयरी पशु होते हैं उनका उत्पादन काल कितना होता है, कितने जीवन तक वो अच्छे उत्पादन दे सकते हैं, 10 वर्ष 12 वर्ष या फिर 16 वर्ष। रवि शाक्य गुड, तो थैंक यू लव यू डियर रवि शाक्य जी। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, जो ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट होता है बच्चा वो क्या होगा, 10 वर्ष। तो ए ऑप्शन करेक्ट। मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होता है अभिषेक चतुर्वेदी जी। अभिषेक चतुर्वेदी जी आप कहाँ के रहने वाले हैं, आप कहाँ के रहने वाले हैं? ओके सर। तो भाई जो धान का झुलसा होता है ठीक है, झुलसा तो थोड़ा यहाँ पे सही नहीं लग रहा है, बट जो बोला यहाँ पे जो क्वेश्चन था सुधार लो, खैरा सुधार ले थोड़ा क्वेश्चन को, ये यहाँ पे झुलसा ना होकर के हुआ यहाँ पे खैरा ठीक है। धान में खैरा रोग जिस तत्व की कमी के कारण होता है वह है ठीक है।
जो धान में खैरा रोग होता है, किस तत्व की प्रेजेंट में? कानपुर। तो थैंक यू अभिषेक चतुर्वेदी जी, आई होप आप 100% सक्सेस हो जाए जिस मकसद से आप कानपुर आए हुए हैं, पक्का आपको सफलता मिले ऐसी मेरी आशा है। तो धान का जो खैरा रोग होता है, किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जाएगा डी के साथ में, जो जिंक तत्व तो होता है उसकी कमी के कारण धान में बीमारी लग जाती है खैरा। और खैरा रोग को सर्वप्रथम डॉक्टर बायल नैनी ने जो है पंतनगर यूनिवर्सिटी में खोजा था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बार वीडियो को थोड़ा और लोगों के बीच में शेयर कर दें, ताकि होता क्या, जब ज़्यादा लोग जुड़े होते हैं तो सेशन को पढ़ने और पढ़ाने में थोड़ा इंजॉय ज़्यादा आता है, ठीक है? इसलिए ही आपसे कहते हैं, बाकी और कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन है कि मिल्क फीवर का मुख्य कारण क्या है? जो भाई मेरे मिल्क फीवर होता है, इसका मुख्य कारण क्या है? ये गिल्क नहीं प्यारे बच्चों, मिल्क होगा, ठीक है? जो मिल्क फीवर होता है किसके द्वारा होता है? विषाणु, फफूंदी या जीवाणु के द्वारा? मिल्क से बनता है दूध, तो डी ऑप्शन, कैल्शियम की कमी। यू आर राइट आंसर, आपका करेक्ट आंसर है कैल्शियम की कमी। लेकिन जब बीमारी होती है दूध, ऐसे पशु जो बहुत ज़्यादा दूध देते हैं, दुधारू नस्ल के पशु होते हैं, उनके शरीर में जो है कैल्शियम की कमी के कारण मिल्क फीवर आ जाता है, ऐसा क्वेश्चन में होता है, ठीक भी? चलो बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। म्यूरेट ऑफ पोटास में K2O की मात्रा होती है, तो ध्यान रहे म्यूरेट ऑफ पोटास को ही म्यूरेट ऑफ पोटास KCl के नाम से जानते हैं, अर्थात पोटेशियम क्लोराइड। और जितने भी पोटासिक उर्वरक हैं उसमें म्यूरेट ऑफ पोटास में सर्वाधिक पोटास की मात्रा पाई जाती है, तो वो पाई कितनी जाती है आपको यही कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा आप बताओ। रवि शाक्य, गुड भाई, थैंक यू। तो अभिषेक चतुर्वेदी जी, इसका 48 नहीं होगा, 48 तो होता है पोटेशियम सल्फेट में पोटास, 45 या 48 तो होता है पोटेशियम सल्फेट में। सौरभ कुमार का यहाँ पे सही आंसर है 60%। तो सौरभ भाई 60% इसका सही आंसर है, ऐसा आपने दिया है और यही बिल्कुल सही आंसर है। सौरभ भाई आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है हमसे जुड़ने के लिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक भी कर देना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही प्यारा और लाजवाब क्वेश्चंस क्वेश्चंस हैं कि हिडन हंगर जो है इसका संबंध किससे है? पानी की कमी से, तत्वों की कमी से, या प्रकाश की कमी से, या फिर नॉन ऑफ दीज? जल्दी से कमेंट करके छाप दें इस आंसर को कि द्वंद कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू राणा का वंशज है फेंक वाला जहां तक जाए। आपकी बार ऐसा भार हो जाए और भाई आपको सफलता मिल जाए, ठीक है? शीश बी सौरभ कुमार जी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है? सौरभ जी आपका करेक्ट आंसर, तत्वों की कमी से। आप हिडन हंगर होता क्या समझ लो, जैसे क्या होता है, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें किसी तत्व की कमी के लक्षण बाहरी आकृति बाहरी रूप से दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है? उसे ही हिडन हंगर कहते हैं। जैसे कोई प्लांट होता है उसमें किसी तत्व विशेष के लक्षण बाहर से दिखाई नहीं पड़ते, आंतरिक रूप से उसमें उस तत्व की कमी के लक्षण पाए जाते हैं, ऐसे ऐसी कंडीशंस को हिडन हंगर बोला जाता है। हिडन मीन्स छिपा हुआ, ठीक है? हंगर मीन्स भूखा। कोई तत्व तो है प्लांट में जिसकी कमी है, वो भूखा है लेकिन सिम्टम्स जो लक्षण है वो शो नहीं कर रहा है, तो ऐसे को हिडन हंगर बोलते हैं। आई होप अगर आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ हो तो यस सर बोल दो। बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट। मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यस सर, आप शिक्षक चतुर्वेदी, थैंक यू भाई। अभिषेक, सौरभ, रवि, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से कह रहा हूं आपसे, अपने दोस्तों को जोड़ दो,
कि होता क्या है, जितने भी लोग वॉचिंग कर रहे हैं प्लीज अपना भाई समझ के एक बार शेयर कर दो, दोस्तों मेरा मतलब ज्ञान बांटना नहीं, मेरा मतलब ज्ञान बांटना नहीं, मेरा तो मतलब केवल और केवल किसी ना किसी तरीके से तुम जो सोच रहे हो, तुम्हारे माँ बाप का जो सपना है, जो तुम्हें पाने की जो सोचा है, आप उसे पा सको, आपको एक अच्छी जॉब मिल जाए, ऐसी मेरी कामना है। क्योंकि मैं जानता हूँ कोई इसमें किसान का बच्चा होगा, कोई ऐसा व्यक्ति भी होगा जिसके माता पिता बहुत मेहनत करके ही उसे पढ़ा रहे होंगे, कहाँ से पैसे ला रहे होंगे ये तो वही जानते होंगे, ठीक है। तो अपने माँ बाप के उम्मीदों पर खरा उतरें और इस वर्ष आप पक्का सिलेक्शन ले लें, ऐसी मेरी कामना है। आपके लिए एक छोटा सा शेर बोलना चाहूँगा कि मंजिल ने हौसलों से कहा, कि मंजिल ने हौसलों से कहा, तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल कहा, चल छुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। तो जुड़े हमारे साथ में एग्रीकल्चर के एक यूट्यूब चैनल दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी पर, पढ़ते हैं इस क्वेश्चंस को। नाबार्ड, भाई नाबार्ड क्या है? सोनू कुमार जी ने सी ऑप्शन दिया है, बिल्कुल सही है। अभिषेक चतुर्वेदी सी दिया है, इकोनॉमिक। वाह भाई, गजब की तैयारी कर रहे हो, आई होप आपको पक्का सिलेक्शन मिलेगा। एक बार जितने भी लोग हैं आप शेयर कर दो यार, एग्रीकल्चर वाले हो आप, दिखा दो अपनी ताकत को, थोड़ा शेयर कर दो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो करेक्ट आंसर होगा सी, लेकिन लेकिन नाबार्ड से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल के आएंगे वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं यहीं पर। जैसे नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो 12 जुलाई 1982 को है इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। दूसरा पॉइंट, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, अगली बात, ठीक है। इसको IBRD के नाम से भी जाना जाता है। प्रेजेंट टाइम पर जो है इसके हेड कौन है नाबार्ड के, नाबार्ड के इस टाइम हेड कौन है, नाबार्ड के इस टाइम हेड कौन है, जल्दी से कोई बताए कमेंट करके। गोविंद चिंतालू जी जो हैं नाबार्ड के प्रेजेंट टाइम पर हेड हैं, ठीक है। तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी भाई, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, 12 जुलाई 1982 को, मुंबई में हेडक्वार्टर है, IBRD के नाम से जानते हैं। प्रेजेंट टाइम पर इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं गोविंद चिंतालू जी हैं। और आप लोग कमेंट करके ये बताओ कि नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी वो किस समिति की सिफारिश पर हुई थी, जल्दी से जवाब दो इस आंसर को। नाबार्ड की स्थापना की समिति कौन सी थी, नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी, जल्दी से कमेंट करो और बता दो इस क्वेश्चन का सही आंसर। नाबार्ड की स्थापना किस समिति सिफारिश पर हुई थी, जल्दी से कमेंट करें और बता दें आंसर को। जल्दी से करें आंसर इस क्वेश्चन का कि नाबार्ड जो है इसकी स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी। चलो देख लेते हैं इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर। तो जो समिति थी प्यारे बच्चों, जो समिति थी वो क्या थी, शिवरमन समिति, ठीक है। जो शिवरमन समिति थी इस समिति के ही द्वारा जो है नाबार्ड की स्थापना हुई थी। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। है यार कि जो अलसी है लाइन सीड, ठीक है, इसमें प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, 26, 40, 36, 44%। शिवरमन कमेटी अभिषेक चतुर्वेदी जी, थैंक यू, बिल्कुल सही है, इसका आंसर करें। अलसी में प्रोटीन की मात्रा क्या है, करते हैं आंसर इसका। और एक बार सारे लोग सेशन को शेयर कर दें, ठीक है। तो भी ऑप्शन करेक्ट होता, 36% अलसी में पाई जाती प्रोटीन, 26% बच्चा इसमें नहीं पाई जाती, 26% होती है मूंगफली में, ठीक है बच्चा, 26% जो है मूंगफली में पाई जाती है, ठीक है भैया अभिषेक जी 26% मूंगफली में पाई जाती है, ठीक है। 36% आप बता दें कि अलसी का कुल क्या होगा, और आप बता दें कि अलसी का कुल क्या है, अलसी किस कुल को बिलोंग करती है, जल्दी से कमेंट करके बता दें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
सारे लोग सेशन से बाहर, जल्दी से जल्दी सोनू शिवरमन, सोनू जी और अपने दोस्तों को थोड़ा जोड़ लें, और अपने दोस्तों को थोड़ा जोड़ लें। क्वेश्चन है कि बॉल बम कीट किस फसल से संबंधित है? कॉटन, कॉटन। सोनू ए, सोनू ए, अभिषेक ए ऑप्शन। तो कॉटन जो है भाई मेरे, सॉरी, जो कॉटन है मीन्स सी ऑप्शन जो है कॉटन एक सही आंसर होता है, क्योंकि बॉल बॉल कपास का ही एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक कीट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आलू किसका रूपांतरण है? जो आलू है रूपांतरण अभिषेक चतुर्वेदी जी स्टेम तने का, जिन्होंने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है। धीरेन्द्र सिंह कॉटन होगा शायद, बॉल बम, बिल्कुल धीरेन्द्र सिंह आपका भी करेक्ट आंसर है। और यार जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया अभी लाइक भी कर दें, ठीक है। तो आलू मुख्य रूप से तने का होता है रूपांतरण, और कोई मुझे बताए, कोई मुझे बताए कि आलू की फैमिली क्या होती है? सोलेनेसी, क्रोमोजोम नंबर क्या होता, कोई मुझे बताए। हमारे अभिषेक, सोनू, धीरेन्द्र, गली बॉय एंड रवि शाक्य जुड़ चुके हैं सोलेनेसी। थैंक यू भाई, जल्दी से कमेंट करके बता दो किसमें क्रोमोजोम नंबर क्या होता है। धीरेन्द्र सिंह 24 करेक्ट आंसर, जल्दी से करो, कितने गुणसूत्र हो सकते हैं इसमें? जो आलू होता है इसमें गुणसूत्र की संख्या क्या हो सकती है? जल्दी से कमेंट करके बता दें आप लोग। 48 अभिषेक चतुर्वेदी जी, आपकी तैयारी काफ़ी ठीक तैयारी है, इस तैयारी को कंटिन्यू आप बनाए रखें, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हमसे वादा करें आप कि अगली सीरीज में जो कल होगी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आओगे, ऐसा मेरा विश्वास है। 48 क्वेश्चन है कि आंवले के पौधों में उत्पादन हेतु व्यावसायिक प्रवर्धन की कौन सी विधि अपनाई जाती है? बीज पैच, रंग बडिंग, टी बडिंग। सोनू, सोनू जी कर रहे हैं यहाँ पे ए, सोनू जी बिल्कुल, सोनू जी सही है, बस्ती डिस्ट्रिक्ट से हूँ मैं, जान गया हूँ चतुर्वेदी, मैं जान चुका हूँ आप बस्ती से हैं। धीरेन्द्र सिंह सी, सी 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 बिल्कुल सही, मेरे विद्यार्थी हूँ। जो आंसर सही होता है यार सी, पैच वेडिंग, पैच वेडिंग देखो करेक्ट आंसर आप दिस क्वेश्चन। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि जल प्रयोग क्षमता सर्वाधिक होती है, जल प्रयोग क्षमता या जल प्रयोग क्षमता सर्वाधिक किस सिंचाई विधि में होती है? तो बाढ़ सिंचाई की बात कर रहे हैं या छिड़काव की बात कर रहे हैं या बॉर्डर मेथड या बूंद बूंद? क्या ऑप्शन करेक्ट हो सकता है आपके अकॉर्डिंग? आपके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर हो सकता है? कर दें कॉमेंट जल्दी से। आपके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? जल्दी कर दें कॉमेंट। और आप लोग कमेंट करके मुझे ये बताओ, अगर मैं एग्रीकल्चर की एक मैराथन क्लास लेके आ जाऊँ तो कैसा रहेगा? सी अभिषेक, सी 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 अभिषेक सी। जल्दी से आप लोग इसका आंसर करें और फिर मुझे ये बताएं कि मैं अगर एग्रीकल्चर की लगभग 4 घंटे की मैराथन क्लास लेकर आ जाऊं तो कैसा रहेगा? एग्रीकल्चर की 4 घंटे की मैराथन लेकर आ जाऊं तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा सर, लेकिन अभिषेक जी आप कम से कम 10 से 12 लोगों को जोड़ पाओगे कि नहीं? 10 से 12 लोग अगर जुड़ जाते हैं लाइव सेशन में, ओके सर ले आइए, हम लेकर आएंगे, लेकिन आप भी मुझसे वादा करो कम से कम यार 15 लोग जुड़ें, ऐसे बच्चे हों जो पढ़ने वाले हों और 15 से 16 लोग जुड़ें, तो मैं पक्का बता रहा हूँ 5 से 6 दिन के अंदर ही एक 4 घंटे की मैराथन लाएंगे जिसमें पूरा का पूरा मजा ही आ जाएगा आपको। जल्दी से बोल दो यस सर, यस सर, तो फिर मैं बढ़ता हूँ आगे और मैं बहुत ही जल्दी लाऊंगा। बस आप लोग कम से कम, आपका कार्य क्या होगा कि 15 से 20 लोगों को लाइव जुड़ना, ठीक है इंग्लिश में सर? ठीक है अभिषेक जी, करूँगा प्रयास में इंग्लिश और हिंदी बोथ में, ठीक रहेगा दोनों लैंग्वेज में इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। बेटा इसका मतलब होता है वाटर, हाईएस्ट वाटर यूज इफिशियंसी इन विच मेथड। जो ये अच्छे होते हैं अभिषेक, क्या है
उनको हिंदी में थोड़ी प्रॉब्लम, मतलब उनके एग्जाम हिंदी में होते हैं, इंग्लिश में होते नहीं, उन्हें प्रॉब्लम आती, इसलिए हम जो है हिंदी में ही लाते हैं। लेकिन आई होप, मतलब कोई बात नहीं, मैं दोनों भाषाओं में लाऊंगा, बाईलैंगुअल में, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश। इसका मतलब बच्चा होता है हाईएस्ट वाटर यूज इफिशियंसी इन विच मैथड, कहने का मतलब कौन सी सिंचाई विधि है जिससे वाटर उपयोग ज़्यादा होता है, ठीक है, जैसे बाढ़ सिंचाई, छिड़काव सिंचाई, वाटर सिंचाई, बूंद बूंद सिंचाई। तो यहाँ पे जो प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर होगा, आचार्य नरेंद्र देवा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कुमारगंज, जैसे पढ़ा हूँ सर। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं अभिषेक जी, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, मैं प्रयास करूँगा, ठीक है। लेकिन आपका काम भी होगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ें, चाहे वो बच्चे हिंदी मीडियम के हों चाहे इंग्लिश मीडियम के हों, ठीक है। चलो, इसका करेक्ट आंसर होगा डी, बूंद बूंद सिंचाई विधि। इसका मतलब होता है अभिषेक जी, आपके लिए लिख रहा हूँ, आपके लिए लिख रहा हूँ, ड्रिप इरीगेशन। ड्रिप इरीगेशन, इसको वाटर बोलते हैं, और छिड़काव को जो बोलते हैं भैया स्प्रिंकलर, छिड़काव को स्प्रिंकलर बोलते हैं, ठीक है। तो डी ऑप्शन करेक्ट। बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, ओके सर सोनू जी, ओके थैंक यू। तो क्वेश्चन है, आनी से एक फलन, क्वेश्चन है आनी से एक फलन, बच्चा इसको जो है पार्थेनोकार्पी बोलते हैं, इसको पार्थेनोकार्पी बोलते हैं। तो अनिश्चित फलन पाया जाता है, या फिर पार्थेनोकार्पी जो होती है इसकी कंडीशंस किस फ्रूट क्रॉप्स में पाई जाती है। कर दो आंसर इसका करेक्ट, जो पार्थेनोकार्पी जो होता है इसकी कंडीशन किस फल में पाई जाती है। पार्थेनोकार्पी होता क्या है, डेवलपमेंट ऑफ रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन एज नॉन एज, और जो पार्थेनोकार्पी होती है, जो पार्थेनोकार्पी होती है इसमें क्या है कि फलों का विकास बिना निषेचन के ही हो जाता है। बिल्कुल सही अभिषेक जी, अब आपका आंसर सही हुआ है, अब आपका आंसर सही हुआ। केला में पाई जाती है, और केला में कौन सी, एडवेंटिव, एडवेंटिव, एडवेंटिव पार्थेनोकार्पी पाई जाती है केला में, ठीक है। तो अब आज की क्लास का बेटा लास्ट क्वेश्चन, भाई आज क्लास का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम कल मिलेंगे, इसके बाद हम कल मिलेंगे। तो क्वेश्चन है कि पायराइट मुख्यतः पाया जाता है, जो पायराइट्स होते हैं जिनका उपयोग क्षारीय भूमि को सुधारने में किया जाता है, ये मुख्यतः किस स्टेट में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले आप एक बात को ध्यान कर लें, जो पायराइट सबसे ज़्यादा अगर पाया जाता तो वो तो पाया जाता झारखंड में, झारखंड में, ठीक है। पायराइट सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, झारखंड में। बट इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या आंसर सही हो सकता है, इस क्वेश्चन का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में पक्का देंगे, आप इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में देना। तो आज के वीडियो में अभिषेक, सोनू, एग्री गोल्ड, संदीप, जितने भी लोग हमसे जुड़े थे, तो यार आज के वीडियो में धीरेन्द्र जी आपका भी थैंक यू, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में सही सही टाइप करके मुझे बताना। तो आज की क्लास में जितने भी लोग जुड़े थे उनका तहे दिल से थैंक यू कहूँगा, और अगर आपको एक सेशन अच्छा लगा हो तो जल्दी से बोल दो यस सर मज़ा आया, मज़ा आया। और अगर आप एक मैराथन क्लास चाहते हैं एग्रीकल्चर की, तो मुझसे वादा करो कि कम से कम 15 लोगों को आप लाइव लाओगे, कम से कम 15 लोगों को आप लाइव लाओगे, और जिस दिन आप ऐसा वादा मुझसे कर दोगे तो मैं पक्का बता रहा हूँ बहुत जल्दी ही जो है बाइलिंगुअल की जो है हम एक मैराथन क्लास लाएंगे, ठीक है। क्वेश्चंस आपको कैसे लें, मज़ा आया कि नहीं, मज़ा आया भाई, थैंक यू। तो यार मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए नमस्कार, सभी को हमारा प्यार भरा गुड नाइट।